सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी, ओके और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. पावर ऑफ लेंस होती क्या है या बताती क्या है? पावर ऑफ लेंस हमें ये बताती है कि कोई लेंस कितनी ज्यादा रे को बेंट कर सकता है या कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन करा सकता है. मोटे मोटे लफ्जों में कहें तो कोई कॉन्वेक्स लेंस कितनी ज्यादा पावर रखता है रेज को कन्वर्ज कराने की, या कितनी कम दूरी पर ही रेज को कन्वर्ज करा देता है. या कॉनकेव लेंस की बात करें तो कोई कॉनकेव लेंस कितनी ज्यादा डाइवर्ज करा देता है किसी पैरेलल रेज को, ये उसकी पावर पर डिपेंड करता है. ओके, पावर ऑफ लेंस को हम मैथमेटिकली अगर देखें तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ होता है. ठीक, इस पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को F से. तो इट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतना ही कम पावर होगी या उतना ही कम रेज को रिफ्रैक्ट कराएगा या बेंड कराएगा या कन्वर्ज या डाइवर्ज कराएगा. ओके, फॉर कॉनकेव लेंस पावर ऑफ लेंस इज निगेटिव. क्यों निगेटिव होती है भाई? क्योंकि F निगेटिव होता है. F निगेटिव हो जाएगा तो P भी निगेटिव होगी. फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है आप जानते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी. तो पावर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है. दूसरी बात करते हैं, यूनिट क्या होती है पावर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी डिप्टर्स या डियोप्टर, दोनों चीजें पढ़ते हैं लोग, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से. इफ एफ इज 1 मीटर, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर ऑफ लेंस किसके बराबर हो जाएगी? 1/1 मीटर. ओके, ये जो 1 है इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, एफ की यूनिट होगी लेंथ की. तो 1/1 मीटर, या इसको हम क्या पढ़ेंगे, पर मीटर. ओके, और पर मीटर को, यानी 1 पर मीटर को हम बोलेंगे 1 डिप्टर. अगर ये -1 मीटर होता, अगर यहां पर माइनस लगा होता तो ये 1 मीटर ना कहकर हम क्या बोलते हैं, -1 डिप्टर. तो इस तरह से प्लस और माइनस हो सकती है. ठीक, अब पावर ऑफ लेंस को मैं एक तरह से और समझाना चाहता हूं. अगर फॉर एग्जांपल एक कॉनवेक्स लेंस है, ओके, ये कॉनवेक्स लेंस है, इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी, तो यहां पर फोकल लेंथ होगी, यहां इसका फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ओके, तो ये सारी पैरेलल रेस को कहां मिला देगा, सारी पैरेलल रेस को ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन यहां पर मिला देगा. ठीक, एक लेंस हम ऐसा लेते हैं कॉन्वेक्स ही, जिसकी फोकल लेंथ कम हो या जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो, यानी उसको हम और ऐसा ले लें मोटा. ठीक, तो उसका यही फोकस हो जाएगा, ये इसका F2 हो जाएगा, इसका F2 दूर था जरा, इसका F2 यहां था और इसका F2 पास हो गया, तो ये रेस को यहीं पर क्या करा देगा, कन्वर्ज करा देगा, जल्दी कन्वर्ज करा देगा. बात समझ में आई? तो पावर ऑफ लेंथ किसकी ज्यादा हुई, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, जिसका F कम होगा उसकी पावर ऑफ लेंथ, पावर लेंस ज्यादा होगी. यानी जो मिरर, जो लेंस ऐसा मोटा लगेगा आपको ज्यादा, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी. याद रखिए, वो ज्यादा जल्दी कन्वर्ज करा देगा. इसी सेम प्रिंसिपल के हिसाब से हम कॉनकेव भी समझ सकते हैं. तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ, आप इसी से खाली समझ जाएंगे. ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच.